Assalamu alaikum, dear students, welcome back. Vitamin ka structure kaise hum exam mein likhe jab iska sawal aa jaye, to iska aaj main aapko tarika bataunga urdu mein bhi aur english mein bhi. Jo students kehte hain ki aapka dusra channel advanced channel kaun sa hai, to main usko dobara batata chalun. Us channel ka naam hai medical globe by dr hadi, jisme mbbs aur pharmacy pharmd dusre medical field ke lectures wahan pe upload होते जाएंगे, लेकिन वो इंग्लिश में होंगे. आप वहाँ ज़रूर विज़िट करें. विटामिन को पूरा तफसील से पढ़ने से पहले पहले, चूँकि कल और परसों में उस पर एक तफसीली लेक्चर भी आ जाएगा, उससे पहले मैंने कहा कि स्ट्रक्चर को आसान तरीके से जो तरीका है उसको कैसे सीखें हम. एग्ज़ाम में सवाल आ जाए विटामिन ए पर, आप नोट लिखें, तो स्ट्रक्चर एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि याद रहे. आसान तरीका, विटामिन ए का जो स्ट्रक्चर है उसको लिखने के लिए मैं आपको बताता चलूं. एक तो अगर आप ऐसे ही शॉर्टकट में फटाफट जल्दी जल्दी लिखना चाहते हैं, कोई नोट्स लिख रहे हैं उसका पूरा तफसीली स्ट्रक्चर नहीं लिखना चाहते, तो एज सच हम इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं. ठीक है, बड़े फास्ट आपने आपने जो है स्ट्रक्चर लिखा, और फिर आपने दिस इज़ ये विटामिन ए को शॉर्टकट में लिखने का ये एक आसान सा तरीका है. लेकिन अगर आप उसको तफसीली स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है. उसके लिए हम जैसे कि एक रिंग होता है बेंजीन रिंग, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर बेंजीन रिंग नहीं होगा, इसके लिए मैं आपको बताऊँगा. ऐसा तो कुछ आप सब लिख सकते हैं. ठीक है, जब आप लिखोगे स्ट्रक्चर को खूबसूरत तरीके से लिखना पड़ता है. ये बेंजीन की तरह है लेकिन बेंजीन नहीं है, क्योंकि बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लेकिन इसमें सिर्फ एक जगह पे आपको एक डबल बॉन्ड आपको नज़र आएगा. तो ये आपने एक ये काम करा तो बहुत आसान है यहाँ तक. उसके बाद आपने लाइंस ड्रॉ करने हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आपने लाइन ड्रॉ करने कितने, नौ बार. अभी देखो मैं किस तरह आपके सामने लिख लेता हूँ. ठीक है, ये देखो ऊपर गया आप, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, इस तरह अपने 9 टाइम ऊपर नीचे अपने इस तरह लिखना है. ठीक है, ये तो हो गया ना, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना. इसके बाद अब आपने डबल बॉन्ड्स लिखने हैं. तो जहाँ जो नीचे लाइन आ रहा है, मिसाल के तौर पर ये ऊपर आप जा रहे थे, नीचे जब आ रहे थे ना, तो यहाँ पर आप एक डबल लाइन लिखेंगे, फिर इसको छोड़ कर ना इधर आप एक डबल बॉन्ड लिखेंगे, फिर इसको छोड़ कर आप यहाँ पर आप एक एक डबल बॉन्ड लिखेंगे. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी आप एक डबल बॉन्ड लिखेंगे. सही है, चार जगहों पर हम डबल बॉन्ड एग्जर्ट करेंगे. ठीक है, 1 2 3 4 ये आ गया. ठीक है, एक को छोड़ा दूसरे को इस तरह से करते जाएंगे. अब मिथाइल ग्रुप आपने ऐड करना है, CH3 ये वाला जो ग्रुप है ये आपने ऐड करना है. तो इसको ऐड करने के लिए तीन जगहों पर हम लोग यहाँ पर जो मेन रिंग है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं CH3, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं CH3, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ऐड कर लेते हैं CH3, यानी जो बेंजीन की तरह जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम तीन मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे. अगर आपको ये ऐसा पसंद नहीं है तो आप इसको ना मिटा के जस्ट एक लाइन अगर आप छोड़ देंगे ना, तो दिस इज़ इनफ. इस तरह का लाइन का मतलब पता है क्या है, कि इसमें CH3 मौजूद है, हम लोग शो नहीं करते हैं. ठीक है, इसके अलावा हम इस ये जो साइड चेन है, साइड चेन यहाँ पर भी हम CH3 ग्रुप्स एग्जर्ट कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ पर ये अब आपको पीक्स नज़र आ रही है, ये एक पीक है जैसे पहाड़ का पीक है, ये एक पीक है, ये दूसरा पीक है. अब आपने पहला वाला पीक छोड़कर ना यहाँ पर एक CH3 यहाँ पर आपने एग्जर्ट करना है, फिर ये छोड़कर एक CH3 आपने यहाँ पर एग्जर्ट करना है.
अब आप या तो ऐसा छोड़ दो या फिर लिखो, कोई मसला ही नहीं है, पता चल जाएगा कि यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप है, सो दिस इज CH3। अब यहाँ तक तो ये भी मुकम्मल हो गया, आपने रिंग में भी मिथाइल ग्रुप्स लगा दिए, साइड चेन पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ पर इधर फंक्शनल ग्रुप हम लगाते हैं, फंक्शनल ग्रुप जो है वो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कोई आएगा और इसी हिसाब से विटामिन ए का जो तीन शक्लें हैं विटामिन ए का, वैसे आपने नहीं देखा होगा लेकिन आज तो आज पहली बार आपको पता चलेगा, विटामिन ए की तीन मुतबादल स्ट्रक्चर्स हैं, मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें से एक का नाम है रेटिनोल, दूसरे का नाम है रेटिनाल, चलो इसको इस तरह कर लेते हैं, रेटिनाल ए लगाते हैं यहाँ पर, रेटिनाल, और यहाँ पर ओ लगाते हैं, रेटिनाल, और थर्ड जो है, थर्ड हमारे पास क्या है, वो है रेटिनोइक एसिड। जो स्टूडेंट एक बार इतना स्ट्रक्चर लिख ले विटामिन ए का, अब वो ये तीन कैसे बनाएंगे, रेटिनोल कब होगा, इसी का नाम रेटिनोल कब होगा, इसी का नाम रेटिनाल कब होगा, रेटिनोइक एसिड कब होगा, वो एक फंक्शनल ग्रुप में ही बस उसका जो है हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर आपने CH2 लगाकर उसके साथ आपने OH लगा लिया, ये जो OH है ये अल्कोहल की निशानी है, ओल, तो अगर ये CH2OH आ जाए, दिस इज कॉल्ड रेटिनोल, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये रेटिनोल का हो जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से हो, अगर यहाँ पर मैंने मिटा दिया, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर C OH आ जाए, यहाँ पर अगर इस तरह से आ जाए C OH, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा रेटिनल। अब ये पूरा स्ट्रक्चर आपका रेटिनल है, तो ये वैसे भी विटामिन ए है, चाहे रेटिनोल हो रेटिनाल हो, ये सब विटामिन ए ही के नाम है, बस ये विटामिन के शक्लें हैं, विटामिन्स भी इसको बोलते हैं। अच्छा, लास्ट में अगर यहाँ पर C OH के साथ अगर OH आ जाए, OH, फिर इसका नाम हो जाएगा रेटिनोइक एसिड। तो तीन स्ट्रक्चर विटामिन ए के आप बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि विटामिन ए में दो पार्ट्स होते हैं, ये जो आपको रिंग नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये वाला जो रिंग आपको नज़र आ रहा है, ये जो रिंग है या सिर्फ रिंग, इसका नाम है बीटा आयनोन रिंग, दिस वन, ये आपका बीटा आयनोन रिंग है, ये आपका बीटा आयनोन रिंग है। इसके बाद ये जो है ना, ये आपका साइड चेन है, इस साइड चेन के अंदर आइसोप्रिनाइड यूनिट्स होते हैं। अब ये आइसोप्रिनाइड यूनिट क्या होते हैं, देखें, असल में पांच कार्बन का जो एक यूनिट होता है, पांच कार्बन का एक मॉलिक्यूल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रिनाइड यूनिट। मैंने लिपिड में इसको ऊपर मैंने बात में कर चुका हूँ, दोबारा इस पर तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। आइसोप्रीन मालिक्यूल होते हैं, आइसोप्रीन लिपिड के अंदर छोटे छोटे मालिक्यूल होते हैं, बस उनकी निशानी है कि वो पांच कार्बन का बना हुआ मालिक्यूल होता है। तो इस साइड चेन के अंदर एक आइसोप्रीन नहीं है, दो आइसोप्रीन है। तो दो आइसोप्रीन में 5 कार्बन मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10 कार्बन, तो यहाँ पर साइड चेन में आपको 10 कार्बन नज़र आएंगे, ठीक है, 10 कार्बन आपको नज़र आ जाएंगे, वो आपका आइसोप्रीन होगा। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका एक आइसोप्रीन है
और उसके बाद जो आपका यूनिट है ये आपका दूसरा आइसोप्रीन है। तो देखिए इसमें भी एक सी एच थ्री है, इसमें भी एक सी एच थ्री है, दो डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये एक नहीं दो आइसोप्रीन यूनिट्स हैं, ये आपका सर्चियम बनाएगा और ये बीटा आयरनिंग बनाएगा। तो ये था विटामिन ए का स्ट्रक्चर, बहुत ही आसान। आई होप कि अब आप आँखें बंद करके इसको लिख पाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विटामिन ए को फुल तफसील से पढ़ेंगे। इसकी केमिस्ट्री तो होगी, यहाँ से होगी, एब्जॉर्प्शन किस तरह एब्जॉर्ब होता है, किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है, उसके फंक्शंस वगैरह एडवांस लेवल पर इंशाल्लाह आपको आपके साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।